भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला? अब तो ज्यादा डर है। अब ज्यादा डर है, जा रहा है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है एनकाउंटर की। दोनों भाई मेरे अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं। तो आपको लेकिन यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? बरेली जेल से अशरफ को भी ला रहे हैं। हम लोग मैडम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये मांग किया था कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आई है, जो आपने भी देखा, आप लगातार कांगड़े में मौजूद हैं। क्या क्या सुरक्षा नहीं आई? तो अभी अभी क्यों डर? लेकिन एनकाउंटर की आशंका है। क्या झांसी में आने के बाद कुछ लग रहा है? अपराधी माने हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हमें डर है, उसने कितने अपराधियों को, इतने मासूम लोगों को मौत की घाट उतारा? मैम तो वो कोर्ट को कैसे लग रहा है? आप अपराधी नहीं कह सकती जब तक की डिक्लेयर ना हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में आप पांच बार के विधायक को, मैम सुनिए, आप पांच बार के विधायक को और एक बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती जब तक कोर्ट निर्दोष है। आप ये कह रहे हैं जब तक, बिल्कुल जब तक कोर्ट, जब तक कोर्ट बाकी लोग चले गए, कहां पर है? अगर निर्दोष है तो यहां पर क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं आते? बाल गृह में है उनके बच्चे, बाल गृह में। और भी असद कहां पर है आखिर में, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? कॉलेज में बाकी लोग सरेंडर करेंगे क्या मैम? बाकी लोग क्या डिग्री कॉलेज में, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है असद। असद पर लेकिन गायब क्यों है, मिल क्यों नहीं रहा है? उसको फरार पता नहीं, जो उसका केस में नाम आ गया इसलिए गायब होगा। शाइस्ता परवीन कहाँ है आपको मालूम है? मैम क्या आपकी भाभी, आपका भतीजा, वो सरेंडर करेंगे क्या? मुझे नहीं पता। जब किसी में आने के बाद कानून का साथ देना चाहिए अगर आप, बिल्कुल कानून, बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। सुरक्षा के साथ यूपी पुलिस लेकर आई है और अभी आप कह रही है दिन का समय हो गया और अभी भी आपको डर है कि वो जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था इस वजह से मुझे डर है। क्या क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे मुझे डर लग रहा है। क्या बयान दिया वो आप लोग को पता है? क्या बयान है मैम? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मुकदमा चल रहा है, जेल के मुहाने पर खड़े हैं इस वक्त, जेल में ही बंद है भाई, वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका इतना बड़ा बयान आ गया था इसलिए हम डर रहे हैं। लेकिन यूपी में तो पूरा साम्राज्य अगर चलता था, अभी ऑफिस में भी छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री बात क्यों कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आने का? मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है, वो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं और वो हम लोग के साथ इंसाफ करेंगे। तो फिर अगर इंसाफ का भरोसा है तो डर क्यों है आखिर? आप क्यों कह रही है कि यूपी पुलिस पर डर है?